दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फिजिक्स। फिजिक्स में हम पढ़ेंगे 10 की जितनी भी पावर्स हैं उनको आप कहते क्या क्या हैं, या उनके प्रतीक क्या हैं, उनके सिंबल क्या हैं, उनको हम डिनोट कैसे करते हैं, उनके बारे में। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 10 की पावर 1 को आप कहते हैं डेका। क्या कहते हैं? डेका। ठीक है ना। नेक्स्ट 10 की पावर 2 हेक्टो। ओके। 10 की पावर 3 किलो। 10 की पावर 6 गीगा। 10 की पावर 9 मेगा। 10 की पावर 12 को आप टेरा कहेंगे। 10 की पावर 15 पेटा। 10 की पावर 18 एक्सा। 10 की पावर 21 जेटा। एंड 10 की पावर 24 को आप योट्टो कहेंगे। क्लियर हो गई बात? चलिए आइए देखते हैं। 10 की पावर -24 को आप कहेंगे योट्टो। देखिए यहाँ पर योट्टो है और यहाँ पर योट्टो है, कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। 10 की पावर 24 को आप योट्टो कहते हैं, 10 की पावर -24 को आप योट्टो कहते हैं। ठीक है। अभी जिसने टेक्नीशियन का पेपर दिया होगा, तो अभी लेटेस्ट जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था 10 की पावर -24 को योट्टो कहा गया। ठीक है। 10 की पावर -21 की बात की जाए जेप्टा कहते हैं। 10 की पावर -18 की बात की जाए एटो कहेंगे। 10 की पावर -15 की बात कही जाए तो फेंटो कहेंगे। -12 पीको। देन 10 की पावर -9 को आप नैनो कह लीजिए। 10 की पावर -6 माइक्रो। 10 की पावर -3 मिली। देन सेंटी एंड देन डेसी। ठीक है। इसको एक बार आप देखिए, ये देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए 10 की पावर 6 मीटर। देखिए ध्यान से देखिएगा, 10 की पावर 6 मीटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 10 की पावर -6 को आपने कहा क्या? माइक्रो। अभी मैंने पढ़ाया आपको कि 10 की पावर -6 को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे माइक्रो कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे मीटर की बात भी हो रही है और मीटर के लिए आप लिखेंगे n। क्या लिखेंगे? n। तो 10 की पावर -6 मीटर यानी कि एक माइक्रोन। एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो यहाँ से आपका ये पैमाना तैयार हुआ, 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। ठीक है। एक माइक्रोन में कितने मीटर? 10 की पावर -6 मीटर होते हैं। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ से देखिए, पूछेगा आपसे एक माइक्रोन में कितने पिकोमीटर। क्वेश्चन मार्क है बच्चों ये, पिकोमीटर, कितने पिकोमीटर होंगे। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना है आपको। एक माइक्रोन में मैंने आपको बताया अभी अभी 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है। हमें चाहिए पिकोमीटर, कितना पिकोमीटर होगा ये हमें चाहिए। देखिए पिकोमीटर का अगर हम लिखें पैमाना, पिकोमीटर मैंने इस तरह से लिख दिया है। ठीक है। देखिए एक पिको, अभी आपने पढ़ा है 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। ठीक है। 10 की पावर -12 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। ध्यान से देखिए, यहां से मैं मीटर की वैल्यू निकाल रहा हूं। 1 मीटर इज इक्वल टू पिकोमीटर अपॉन 10 की पावर -12, 10 की पावर -12। ठीक है। अब देखिए, ये देखिए 10 की पावर -6 इंटू 1 मीटर लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और 1 मीटर की हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर रखी है। ठीक है। तो 1 मीटर की वैल्यू आप उठाकर यहाँ पर पुट कर दीजिए, पिकोमीटर अपॉन 10 की पावर -12। ओके। आपका क्या हो जाएगा? 10 की पावर +6 पिकोमीटर, मतलब एक माइक्रोन में 10 की पावर +6 पिकोमीटर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए इसको, चलिए इसको मिटा दिया जाए। समझ गए होंगे आप लोग, अच्छे से आ गया होगा। चलिए अगला आप कैलकुलेट करेंगे, एक माइक्रोन इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, मतलब एक माइक्रोन में सेंटीमीटर आपको मालूम करना है। ठीक है ना। एक माइक्रोन बराबर कितने सेंटीमीटर, चलिए देखते हैं। एक माइक्रोन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क सेंटीमीटर, ये आपको फाइंड करना है कि एक माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होंगे। फाइंड करिए, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए देखिए, जो कर लिए हैं अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं ध्यान से देखें। एक माइक्रोन में मैंने आपको बताया 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है। कितने सेंटीमीटर होते हैं, इसके लिए हम सेंटीमीटर, देखिए
एक सेंटीमीटर बराबर 10^-2 मीटर। समझ में आई बात? 1 सेंटीमीटर बराबर 10^-2 मीटर। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए देखिए आगे। चलिए यहां से देखिए आप, 1 मीटर, 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा आपका 1/10^-2 सेंटीमीटर। ओके ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मीटर, यहां पे आप पुट करेंगे वैल्यू मीटर की, क्या हो जाएगी 1/10^-2 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका हो जाएगा 10^-4 सेंटीमीटर, मतलब 1 माइक्रोन में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका आंसर होगा 10^-4 सेंटीमीटर, 10^-4 सेंटीमीटर। ठीक है ओके, कितनी बात समझ आ गई, इसको मिटा दिया जाए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें हम लोग, अब की बार है 1 नैनोमीटर में, देखिए ध्यान से देखना है आपको, 1 नैनोमीटर, ठीक, ये नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर, 1 नैनोमीटर में डैश कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, फिर ध्यान से सुनिए, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 10^-9 नैनो, 10^-9 मीटर। ठीक, चलिए जरा आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट कीजिए मीटर में, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10^-2 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10^-2 मीटर। ओके इतना हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, फिर से वही प्रोसेस करना है आपको, मीटर को रोके रहिए, सेंटीमीटर अपॉन 10^-2 मीटर की वैल्यू आपको पता लग गई, मीटर की वैल्यू लाके आपको यहाँ पर पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, बहुत आसान है, इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपरों में भी आते हैं, आपका हो जाएगा 10^-7 सेंटीमीटर। क्लियर, मीन्स डेट कि 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपका आंसर होगा 10^-7 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलिए इसको मिटा दिया जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप करेंगे इसको, 1 मिलीमीटर में कितने फर्मी मीटर होते हैं, 1 मिलीमीटर में कितने फर्मी मीटर, मिलीमीटर में कितने फर्मी मीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक अगर आप समझ जाएंगे तो अगला टॉपिक आप बना लीजिए, यूनिट ऑफ लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए लंबाई के कुछ मात्रक तो आप जान रहे हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं, टॉपिक बनेगा आपका यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, देखिए बच्चों, जिनको नहीं आता है वो तो पढ़ ही रहे हैं, जिनको कुछ आता भी है वो भी पढ़ें, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक से मैं शुरू कर रहा हूँ। जान लीजिए आप, जब तक बेस नहीं मजबूत होगा फिजिक्स में, तब तक फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आइए देखते हैं, चलिए पहला देखिए, मैं बात करूँ अगर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो आप क्या कहेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में क्या 1000 मीटर, ठीक है ना। यहीं से किलोमीटर में हटाना चाहूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 मील, चलिए बताइए 1 मील में कितने किलोमीटर, देखिए ध्यान दीजिए 1.6 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा, आप ये पैमाना याद करके गए, 1 मिनट में 1.6 किलोमीटर, पूछेगा कैसे वो, 1 मील में कितने मीटर, तो आपको मीटर फाइंड आउट करने रहेंगे, मतलब 1.6 × 10^3 मीटर। ओके ठीक है ना दोस्तों, या आपसे इस तरह से भी दे सकता था कि देखिए 1.6 को आपको मल्टीप्लाई करवाना रहता, ठीक है, आपका कितना आता 1600, ठीक, लेकिन पॉइंट एक पे लगा हुआ है तो आपका 1600 मीटर। ठीक है ना, ध्यान दिए रहिएगा दोस्तों, यहीं से आपसे पूछ सकता है कि 1 मीटर में कितने मील, 1 मीटर में कितने मील, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, देखिए 1 मीटर में, अगर मैं बात करूं 1 मीटर में कितने मील, ठीक है, तो देखिए 1/1/10^3
एक मीटर में बात की जा रही है, एक मीटर में कितने मील, ठीक है ना, 1/1600 मील, 1/1600 मील, ठीक है, बात समझ में आ रही है दोस्तों, एक मीटर में कितने मील हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 1/1600 यानी कि 1600 मील, ओके, कितनी बात समझ में आ गई होगी। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, देखिए अब बात करते हैं हम नॉटिकल मील की, ठीक है, 1 नॉटिकल मील, नॉटिकल मील मैं NM लिखता हूँ लेकिन यहाँ पे मैंने पूरा लिख दिया, आप नोट करिएगा तो 1 नॉटिकल मील ऐसे समझ जाइएगा कि 1 नॉटिकल मील में मैं बात करूँगा पहले कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिए 1.85 किलोमीटर, ठीक है, 1 नॉटिकल मील इज इक्वल टू 1.85 किलोमीटर, ठीक है, अब आप यहीं से चाहें तो मीटर को कन्वर्ट कीजिए नॉटिकल मील में, चाहे किलोमीटर को कन्वर्ट कीजिए, कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं हम, लंबाई की कुछ और मात्रा देखेंगे हम, अगला आप डालेंगे हेडिंग लंबाई के मात्रक में ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, इसको आप हिंदी में कहते हैं खगोलीय इकाई, क्या कहेंगे आप हिंदी में इसको, खगोलीय इकाई कहेंगे, ठीक है ना, बात समझ में आई है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इसको आप हिंदी में कहेंगे खगोलीय इकाई, जिसको आप दर्शाएंगे A.U से। अब सुनिए ध्यान से ये होती क्या है, सुनिए अगर मैं ये कहूँ कि सूर्य और, अगर मैं ये कहूँ बात सुनिएगा ध्यान से, कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को आप खगोलीय इकाई कहेंगे, यहाँ पर गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्यों गलत हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी पृथ्वी, ठीक, और देखिए ये है आपका सूर्य, ये क्या है, सूर्य है, ठीक है ना, और पृथ्वी कुछ इस प्रकार से, मतलब दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में सूर्य का चक्कर लगा रही है, इस प्रकार से पृथ्वी इसके चारों ओर घूम रही है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर तो दूरी ज्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, इसीलिए हम लोग इसे कहेंगे कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, क्या कहेंगे, फिर से सुन लीजिए, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को आप क्या कहेंगे, खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहेंगे, और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है, ध्यान से देखिएगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496 × 10^11, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होती है कितनी वैल्यू, 1.496 × 10^11, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो इसको आप मीटर में करेंगे, ठीक है ना, अगर इसको हम किलोमीटर में लिखें तो 1.496 × 10^8 किलोमीटर, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये है क्या एग्जैक्ट, आप कहेंगे कि अर्थ यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जो कि कितनी है, 1.496 × 10^8 किलोमीटर, ठीक है ना। अगली हेड पढ़िए, लाइट ईयर, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको याद ना करना पड़े, ठीक है, अगली हेड डालिए लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष, ठीक है, अब सुनिए ध्यान से, लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष को आप ऐसे दर्शाएंगे L.Y, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक लाइट ईयर की अगर मैं बात करूं तो देखिए साल में कुल कितने दिन होते हैं, 365, कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, और हर एक दिन में कितने मिनट होते हैं, 24, हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और हर एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहेंगे कि 60 मिनट होते हैं, और हर एक सेकंड में 60, हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 365 को अगर हम कुल कितना समय, कुल कितने सेकंड में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, 365 × 24 × 60 × 60, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रकाश की अगर मैं चाल की बात करूँ, देखिए सब सब चीज़ें क्या है, यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर लिया है इसको सेकंड के फॉर्म में, ठीक है ना, प्रकाश की चाल की बात की जाए तो अप्रॉक्स होती है कि 3×10^8 m/s, ये होती है, ठीक है ना, देखिए ध्यान दीजिए, मतलब इसका ये है कि एक सेकंड में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, एक सेकंड में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है, अब सुनिए
एक सेकंड में प्रकाश की द्वारा चली गई दूरी इतनी है, तो पूरे साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा वही दूरी कहलाएगी आपकी प्रकाश वर्ष। फिर से सुन लीजिए, एक वर्ष में जितनी दूरी प्रकाश के द्वारा चली जाएगी वो क्या कहलाएगी, प्रकाश वर्ष। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए दूरी से, 3 × 10⁸, देन कैलकुलेट ओके, कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा 9.46 × 10⁵ मीटर, मतलब एक साल में प्रकाश कितनी दूरी ट्रेवल करता है, तो आपका आंसर होगा ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी ये, 9.46 × 10⁵ मीटर। इसको अगर हम किलोमीटर में चेंज करना चाहें, इसको अगर हम कहें किलोमीटर में चेंज कर दीजिए, तो देखिए क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं 9.46 × 10⁻¹ किलोमीटर। ठीक है, एक चीज और देख लीजिए, ऑप्शन में कभी कभी आपको इस तरह से ये सब कुछ नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा 10⁶ मीटर, 10⁶ मीटर, या अगर किलोमीटर की बात करेगा तो रहेगा 10³ किलोमीटर। ठीक है, ये चीज कैसे, जरा देखिएगा समझिएगा, देखिए ये अप्रॉक्स कितना है, 9.5 अप्रॉक्स बन रहा है ना, 9.5, 5 को घेर के आप यहाँ जोड़ेंगे हो जाएगा 10 × 10⁵¹, ठीक, मतलब 10⁶ मीटर। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पर भी ऐसे ही बन जाएगा 10 × 10⁻¹², देन 10³ किलोमीटर, ये भी सही है आपका। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको देख लीजिए एक बार आप, अगली हेडिंग डालेंगे आप पार्सेक, हेडिंग पड़ेगी आपकी पार्सेक, पार्सेक। ठीक, अगर मैं पार्सेक का पूरा नाम लिखने के लिए कहूँ आपसे, देखिए क्या लिखेंगे आप, PARALLATIC, पैरेललिटिक, पैरेललिटिक सेकंड। ठीक है, क्या कहेंगे, पैरेललिटिक सेकंड, ओके, पार्सेक का ये पूरा नाम है पैरेललिटिक सेकंड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वन पार्सेक इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कहेंगे 3.26 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष में कितने लाइट ईयर होते हैं, आपका आंसर होगा वो है 3.26 लाइट ईयर। ठीक, इतनी बात समझ गए होंगे आप, आइए कुछ पैमाने और देखते हैं। अगर मैं फुट की बात करूं, एक फुट में कितने मीटर, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, एक फुट में सेंटीमीटर कितने होते हैं, देखिए एक फुट में होते हैं 30 × 48 सेंटीमीटर। ठीक है, सुनिए ध्यान से, एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान से देखिएगा, एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और देख लीजिए, अगर मैं मीटर की बात करूँ तो एक मीटर में होते हैं 3.28 फीट। अच्छा, ये फुट और फीट में अंतर जानते हैं आप लोग, फुट और फीट में क्या अंतर है, कोई विशेष अंतर नहीं है, ये आप सिंगुलर के लिए यूज करते हैं और ये आप प्लूरल के लिए, मतलब कि यह फुट एक वचन के लिए, फिट बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारे पैमाने नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतनी बात हो गई। अगर मैं हेक्टेयर की बात करूं, एक हेक्टेयर, सुनिए ध्यान से, हेक्टेयर की बात करने जा रहा हूँ, ये कोई खेत है, वर्गाकार कोई खेत है, ठीक, जिसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर है, प्रत्येक भुजा इसकी 100 मीटर है, वर्गाकार कोई खेत है, इसकी प्रत्येक भुजा 100 मीटर है, इसका अगर क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्या आएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब कि 100 मीटर वर्गाकार खेत को आप कह सकते हैं एक हेक्टेयर, मतलब एक हेक्टेयर बराबर हो गया आपका 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक हेक्टेयर की बात है, ये एक हेक्टेयर, ठीक है ना, नोट करिए इसको, एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई, आप सुनिए ध्यान से, अगर मैं यहीं पे एक हेक्टेयर है, कितने एयर होते हैं, 100 एयर,
एक हेक्टेयर में कितने एयर? 100 एयर। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से देखिए, एक एयर में कितने मीटर स्क्वायर? 100 मीटर स्क्वायर। एक एयर में कितने मीटर स्क्वायर? 100 मीटर स्क्वायर। क्लियर हो रही बात? ध्यान से देखिए, यहीं पे मैं कहूँ एक हेक्टेयर में कितने एकड़, एक हेक्टेयर में कितने एकड़? 2.48 एकड़। जितने भी बच्चे खेत से संबंधित हैं उनके लिए बहुत ही मज़ेदार क्लास चल रही है। एक हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर, एक हेक्टेयर में 100 एयर होते हैं, एक एयर में 100 मीटर स्क्वायर होते हैं, और एक हेक्टेयर में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एकड़ की तो 2.48 एकड़ भी होते हैं। कितनी बात समझ में आ गई आपकी? चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूँ, और लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, थोड़ा आप लोग पढ़ाई से भी दूर होंगे इस वक्त, समझ सकता हूँ मैं, छुट्टी ऐसा माहौल होगा, लेकिन छुट्टी ना मना के थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहिए। ठीक है, नहीं तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, ठीक है, जस्ट 15-20 दिन या एक महीने के बाद आपके एग्ज़ाम होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, विशेष ध्यान दीजिए, मेहनत करते रहिए। आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ पर एक पाउंड की बात करें, ठीक है, ये सारे ब्रिटिश पैमाने हैं। ठीक है, एक पाउंड में 16 आउंस होते हैं। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ, देखिए ध्यान देखिएगा, एक आउंस में कितने ग्राम होते हैं? देखिए एक आउंस में कितने ग्राम होते हैं? 28.35 ग्राम। ठीक, क्लियर। अब आप यहीं से देख सकते हैं, अगर एक आउंस में 28.35 ग्राम होते हैं तो 16 आउंस में 16 × 28.35, ठीक, 16×5=80, 16×3=48, 8×56=65, 16×8=128, और 128 और 5 133, 13×16=32, और 13×45, ठीक, 453.60 ग्राम। ठीक है ना, 453.60 ग्राम, एक पाउंड में ग्राम की बात करें तो 453.60 ग्राम होते हैं। कितनी बात समझ में आ गई दोस्तों? अगर इसी को बात कर ली जाए किलोग्राम में, भाई इसको आप किलोग्राम में बदल लीजिए, तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे आप? 1000 से भाग कर देंगे, मतलब 0.4536 किलोग्राम। ठीक, 0.4536 किलोग्राम, एक पाउंड में 0.4536 किलोग्राम होता है। ग्राम की बात करूं तो 453.60 ग्राम होगा, आउंस की बात करूं तो 16 आउंस होगा, और एक आउंस में 28.35 ग्राम होता है। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात? अब यहीं पे मैं आपसे बात कर लूँ कि एक किलोग्राम में कितने पाउंड, अगर एक किलोग्राम की बात की जाए, देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूँ आपसे एक किलोग्राम में कितने पाउंड, देखिएगा 2.205 पाउंड, एक किलोग्राम में 2.205 पाउंड। ठीक है, ये भी आपके सारे के सारे पैमाने जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार इसको आप देखिए और लिख लीजिएगा। ठीक है।